नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ और हिवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सा कॉलेज ज़्यादा अच्छा है, कहाँ से आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, कहाँ की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए, कई सारे दोस्तों के कॉल्स भी आए कि सर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि अगर सेम रैंक पे ये दोनों कॉलेजेस हमें मिल रहे हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, ये अर्ध सरकारी है, एडेड है, तो दोनों में से लिया कौन सा जाए। तो आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको काउंसलिंग करते समय, सीट अलॉटमेंट करते टाइम आपको जो है इन चीज़ों का पता हो, और आप जो 3 साल देने वाले हैं, 3 साल बाद आप क्या बन के निकलेंगे, आपका फ्यूचर स्कोप कैसा होगा, वो सारी चीज़ें इन पॉइंट्स पर डिपेंड करती हैं। तो प्लीज़ इनको देखिए। फर्स्ट पॉइंट मैं बात करूंगा कैंपस की, कैंपस कॉलेज का कैसा है। तो यहाँ पे कैंपस आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में कैंपस अच्छा है। हिवेट पॉलिटेक्निक की बात करूँ तो यहाँ भी अच्छा है, बट एज कंपेयर टू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस साइज इसका अच्छा है हिवेट पॉलिटेक्निक का। अब बात करते हैं स्टडी का, स्टडी कहाँ अच्छी होती है। सबसे जो बड़ी चीज़ होती है ना, कहते हैं भाई सब लोग कह रहे थे मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, प्लेसमेंट नहीं हुआ। प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो कह रहा मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ उस कॉलेज से, उसका रीज़न क्या था। स्टडी, एक तो स्टडी होती है कि कॉलेज में पढ़ाई कैसी हो रही है, वहाँ की फैकल्टीज कैसी हैं। एक स्टडी वो होती है जो हम खुद से कितना पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, फिर कुछ बोलना चाहिए। तो स्टडी की मैं बात करूँ कि वहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है, आप क्या पढ़ रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ाई आपको बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, यहाँ पे बीटेक और एमटेक वाले टीचर आपको मिल जाएंगे। हिवेट पॉलिटेक्निक की बात करूँ तो यहाँ पे भी बीटेक और एमटेक के जो है टीचर्स आपको मिल जाएंगे आपको डिप्लोमा में पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाई के मामले में दोनों जगह अच्छा है, लेकिन एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, हिवेट पॉलिटेक्निक में पढ़ाई थोड़ा सा अप लेवल की होती है। अब बात करते हैं फैकल्टीज कैसी हैं, फैकल्टीज मतलब वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। तो टीचर्स की बात करूँ तो यहाँ भी टीचर्स अच्छे हैं और यहाँ भी टीचर्स अच्छे हैं, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ और हिवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ दोनों में जो टीचर्स हैं वो सेम हैं, दोनों में अच्छे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो बीटेक और एमटेक किए हुए होंगे। लैब और प्रैक्टिकल की बात करूं तो यहाँ भी आपको लैब और प्रैक्टिकल प्रॉपर करने को मिलेगा, वो आपको यहाँ भी हिवेट पॉलिटेक्निक में भी मिलेगा। हॉस्टल की बात करूं तो हॉस्टल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इन तीनों ईयर्स में आपको ये मिल जाता है हॉस्टल। जबकि हिवेट पॉलिटेक्निक की बात करूँ तो यहाँ अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट ईयर को यहाँ पर मिलता था, बट करंट टाइम पे यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा जो है क्लोज्ड की गई है, टेम्परेरली क्लोज्ड, बाद में ओपन होगा। जब ओपन होगा तो ओनली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलता है हॉस्टल। ब्रांचेज कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो ब्रांचेज हैं उनके आप वीडियोस देख लीजिएगा, ब्रांचेज कौन कौन से हैं मैं डिस्क्रिप्शन में आगे लिंक दे देता हूँ। ब्रांचेज यहाँ पे और यहाँ पे जो जो ब्रांचेज हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, यहाँ पे नहीं है, तो वो आप वीडियोस में देख लीजिएगा कितनी कितनी सीटेज हैं। तो लगभग ब्रांचेज भी सेम है दोनों में, यहाँ पे एक दो ब्रांच कम है। रूल और रेगुलेशन की बात करते हैं तो रूल और रेगुलेशन यहाँ पे अच्छा है, रूल अच्छा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, रूल अच्छा है और रेगुलेशन में वो चीज़ें होती रहती हैं। बट जो हिवेट पॉलिटेक्निक है वो एज कंपेयर टू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, यहाँ का रूल बहुत स्ट्रिक्ट है और यहाँ पे रेगुलेशन बहुत टाइट है। तो रूल रेगुलेशन के मामले में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीछे है हिवेट पॉलिटेक्निक पे, यहाँ पे रूल और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अच्छा भी है। रैगिंग की बात करूँ तो यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आपको रैगिंग बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा, नहीं के बराबर। यहाँ पे बात करूँ हिवेट पॉलिटेक्निक में तो बहुत थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आपको थोड़ी सी कॉमेडी टाइप के रैगिंग हो जाती है, वो उतना मायने नहीं रखता है, बेसिकली वो रैगिंग नहीं है। रैंक की बात करूँ तो जिस रैंक पे आपको पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है लखनऊ का, सेम रैंक पे आपको हिवेट पॉलिटेक्निक भी लगभग मिल सकता है। अगर आप फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकंड राउंड कराएंगे काउंसलिंग, आपको ये कॉलेज भी मिल जाएगा।
प्लेसमेंट की बात करूं तो यहां पे प्लेसमेंट जो है अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, लगभग 50-70% लोगों का जो है प्लेसमेंट यहां से हो जाता है, बस लास्ट रैंकिंग थोड़ी कम है, 40-50% के आसपास है। यहां पे जो प्लेसमेंट है यहां है 40-50% अगर मैं बोलूं तो यहां पे जो है 50-75% प्लेसमेंट आपको मिल जाता है, एक तरीके से लगभग बराबर कह सकते हैं, बट थोड़ा सा प्लेसमेंट यहां से ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ यहां सीटें ज्यादा हैं, यहां थोड़ी सी सीटें कम है, ब्रांचेस एक दो कम है यहां पे, यहां थोड़ा सा ज्यादा ब्रांचेस हैं। कंपनीज की बात करूं तो जो कंपनीज आती हैं वो भी मैंने वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनीज यहां आती हैं, कौन कौन सी कंपनीज यहां आती हैं। तो जो कंपनी आती है वो सबसे पहले, अगर सपोज करिए कि मारुति को आना है तो वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को देती है, उसके बाद यही सेम कंपनी यहां भी आती है। मतलब ये मैं आपको बता दूं कि 50-60% कंपनी जो ऐसी होती हैं जो यहां आती हैं अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में, वो कंपनियां यहां भी हिवेट पॉलिटेक्निक में आती हैं। फीस की बात करूं तो फीस यहां पे जो है 35-36 हज़ार के आसपास मान लीजिए 3 ईयर्स का, और यहां पे लगभग 60 हज़ार रुपये है 3 ईयर्स का। तो थोड़ा सा फीस में डिफरेंस है, लेकिन 3 ईयर्स का है तो उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर मंथ पर ईयर की बात करूँ तो यहाँ 12,000 पर ईयर के अप्रॉक्स है, यहाँ 20,000 पर ईयर के आसपास है। अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, आप बहुत रूल और रेगुलेशन में पढ़ना चाहते हो, स्ट्रिक्ट वे में पढ़ना चाहते हो और अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेना भी चाहते हैं और परसेंटेज ऐसा आप चाहते हैं कि बहुत हाई रहे कॉलेज का, तो मेरा जो अपना ओपिनियन है वो है हिवेट पॉलिटेक्निक आप चूज कर सकते हैं। बट थोड़ा अगर पैसा कम है आपके पास, पैसा ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में जाइए, दोनों की पढ़ाई लगभग सेम है। मैं बात करने लग रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे रूल और रेगुलेशन और स्टडी जो है और प्रैक्टिकल्स भी सब कुछ एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज हिवेट पॉलिटेक्निक में थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे है। उसका एक रीज़न और है कि ये अर्ध सरकारी कॉलेज है, ठीक है, तो जहां भी थोड़ा सा भी प्राइवेटाइजेशन होता है वहां पे स्ट्रिक्टनेस आपको और नीट एंड क्लीननेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब प्लेसमेंट की बात करता हूं, प्लेसमेंट के मामले में देखिए, प्लेसमेंट की मैं अगर बात करूं यहां से आपको प्लेसमेंट मिलेगा 4 कंपनीज में, है ना, लगभग 4 कंपनीज में आपको यहां से प्लेसमेंट मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज से, यहां से आपको लगभग मिलेगा 2 कंपनीज में। लेकिन डिफरेंस क्या है वो देखिए, यहाँ पे जो 4 कंपनी है ना, पहली कंपनी जो होगी बहुत अच्छी होगी आपकी, बाकी जो 3 कंपनियां है ना वो मिड रेंज की होंगी, ये डिफरेंस यहाँ पे है। तो आप बड़ा जल्दी से डिसाइड कर लेते हो कि इन चारों में से मुझे इसमें जाना है, मतलब आपके पास एक वेल अपॉर्चुनिटी एक होती है, बाकी 3 तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो जाए ना जाए। यहां पे जो 2 कंपनीज आपको मिलेंगी, ये दोनों कंपनीज आप समझ लीजिए कि अगर 2 मिल गई हैं तो दोनों आपको टॉप की कंपनीज मिलती हैं, है ना। तो आप यहां पे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि अब इस कंपनी में जाएं या इस कंपनी में जाएं, तो थोड़ा सा ये यहां पे प्लेसमेंट का सिनेरियो देखने को आपको मिल जाएगा। आई होप बड़ा क्लियर हो गया होगा कि दोनों कॉलेजेस में डिफरेंसेस क्या हैं, यहां पे आपको कहां पे एडमिशन लेना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।